मथुरा से जहाँ जलालपुर गांव में तीन चोर पशुपालक की 5 मवेशियों को चुरा कर ले गए। पशुपालक और अन्य ग्रामीणों ने बाइक से करीब 10 से 15 किलोमीटर मवेशियों को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि पशुपालक ने बताया कि उसके मकान से रात में आकर अज्ञात 3 चोर वाहन लाकर जबरदस्ती लाद कर ले गए। उस समय परिवार के अधिकांश लोग सोए हुए थे। वहीं पशुपालक ने हाथ थककर मवेशी चोरी किए जाने की लिखित तहरीर थाना छाता पुलिस को दी और पीड़ितों ने थाना छाता पुलिस से घटना का अतिशीघ्र खुलासा किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम बताएं, थाने पर खड़े हैं, क्या समस्या है आपको? सर हमारी समस्या, हमारी बकरी चोरी चली गई सर, सुबह 4:15 बजे से। कहाँ के रहने वाले? जलालपुर के रहने वाले, स्विफ्ट गाड़ी में काले कलर के शीशे थे। तो कितनी बकरियाँ थी? 5 बकरी चोरी चली। तो कौन लोग थे वो जो चुरा के ले गए, आपने पहचाना उनको? सर हमने पहचाना नहीं, तो उन पर काले कपड़े थे, सफेद कपड़े थे, डाट लगा हुआ था। तो कितनी बकरी थी आपके पास में? हमारे पास नहीं थे 8 बकरी, 3 बकरी छोड़ गए, 5 बकरी ले गए। तो आपके घर पर बंधी हुई थी? घर पर बंधी हुई थी, रस्सा काट के ले गए। रस्सा काट के ले गए थे। कितने बजे घटना हो गई? घटना ये 3:30-4 बजे के बीच में, सुबह के समय। सुबह के समय की। तो कोई सुराग लगा आपने? आपको हमको नहीं लगा था, हम बाथरूम करवे बैठे, तो हम जब बाथरूम करवे बैठे तो जब तो वो घूम रहे डाटा लगा के रास्ता में, हमने जाने को वैसे परदेसी आ गए, तो हमने परदेसी समझ के नहीं, हम बाथरूम करवे बैठ गए, तो इतने हमारी बकरी चोरी है गई। तो आपने उनको पहचाना, गाड़ी को पहचाना आपने? गाड़ी को ये पहचानी है कि सफेद कलर की गाड़ी है, कार शीशा, हम भगे तो जैसे गाड़ी कोरी हम भर के नहीं है, हमारी बकरी रख दी नहीं है, हमें गाड़ी के अंदर डाल ले गए, गाड़ी के अंदर डाल दिए उसने। तो कितनी बकरियों को चुरा ले गए? हमारे 5 बकरी चुरा ले गए। फिर इस बकरियों को ढूंढने का आपने प्रयास किया, कहीं सुराग लगा? हमने अपने से कीनी सब गांव वाले से, भाई मोटरसाइकिल इसके अंदर लगा दो, तो उनने गांवों में थोड़ी सी देर भगे भी है, दौड़ा दिया तो स्विफ्ट गाड़ी से वो आती ना आई जी। किस तरफ गए हुए वो? वो गए जी खारे की तरफ आए, खैरा की तरफ आए। हाँ जी। तो क्या चाहती हैं आप? आप ये चाहते हैं जी वो मिल जाए तो अच्छी बात है जी, हम गरीब आदमी है, आज तक कल के नहीं है, गाँव में घर नहीं है, जंगल में खेती नहीं है, जो लगा लो जी। तो यहाँ पे थाने पे आए, पुलिस से शिकायत की है आपने, शिकायत कर दी, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जी। नहीं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अभी कर रहे हैं जी अपनी कार्रवाई। कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ। तो लगता है बकरी आपकी मिल जाएंगी आपको वापस? देखो जब ऐसा हम भी डाल रहे हैं, तुम भी डाल रहे हैं, देखो जी। महाराज जी, खबर अमेठी से है जहां रीता सिंह जन कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने अपने महिला समर्थकों के साथ हाथ में लाठी डंडे लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग पर धरना प्रदर्शन का घेराव किया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते गांधीनगर जामू सड़क निर्माणाधीन मार्ग अधूरे पड़ा है। वहीं खराब सड़क के कारण राहगीर कई बार घायल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा सड़क निर्माण का कार्य जल्द न होने पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां थाना उसका बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान एमके ढाबा के पास चोर को गिरफ्तार किया। वहीं शातिर चोर के निशानदेही पर पुलिस ने मोटर, एक मोटरसाइकिल, एक बाइक और नकदी बरामद की। साथ ही साथ बाइक चोर के खिलाफ पहले से ही बस्ती थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत है। सीओ अखिलेश वर्मा ने उसका बाजार थाने पर प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी दी। सर, एक चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है? जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत रात्रि में सघन चेकिंग की जा रही थी। एक अभियुक्त आते हुए, संदिग्ध अभियुक्त आते हुए दिखाई दिया, रुकवा कर चेकिंग की गई तो उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसके संदर्भ में यह अभियुक्त पंजीकृत है बस्ती में, जो कि चोरी की है, और 12,500 रुपये, एक अदद मोबाइल और 2 टुल्लू पंप बरामद हुए। उक्त संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर अपने नाम। खबर बलिया से है जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा बाल सेवा शिक्षा समिति के संस्थापक जाकिर हुसैन के द्वारा नई पहल चलाई गई, जहां ब्लॉक हनुमानगंज ग्राम सभा मदरसा
फरोगे ताली और निस्वा निकट रेलवे गेटवे योग दिवस के अवसर पर पहली बार योगा की किताबें वितरित गईं। किताबें वितरित करते हुए जाकिर हुसैन ने कहा कि योग जैसी क्रिया करने से रोग दूर होगा, योग करें और निरोग रहें। इस अवसर पर ग्राम सभा उम्रगंज के प्रधान समेत अनेक नागरिक उपस्थित रहे। सर अपने नाम के साथ पहले तो परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, मदर टेरेसा बाल शिक्षा सेवा समिति का संस्थापक हूँ। बच्चों में पुस्तक किताब कॉपी कलम कपड़ा लत्ता बांटने का काम गरीब बच्चों में करने का काम करता हूँ। आज जो है नौवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश मना रहा है, हम लोग का जनपद मनाया, आज के दिन आपने क्या कुछ किया है बच्चों के लिए? नौवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने उमरगंज ब्लॉक हनुमानगंज शहर बलिया में तालीम मदरसा फरोगे इस्लाम में हमने बच्चों में, गरीब बच्चों में, अन्य सम्मानित लोगों में योगा दिवस पर योग का किताब बांटे, इसलिए कि लोग पढ़ें और योग करें। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। योग ऐसा चीज है कि घर घर में योग करना चाहिए। योग से स्वस्थ रहते हैं लोग और निरोग भी रहेंगे। योग अपनाइए और निरोग रहिए, यही मेरा उद्देश्य है। बलिया भी योग दिवस मना रहा है, योग कर रहा है। सभी देश के लोगों को योग करना चाहिए। योग से निरोग रहते हैं, योग से स्वस्थ रहते हैं। योग ऐसा चीज है कि सभी लोग निरोग रह सकते हैं। जी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, जो बच्चे हैं हम लोग के जनपद में उनको? मैं बच्चों में यही कहना चाहता हूं, बच्चे पढ़े लिखे तालीम हासिल करें और तरक्की करें, उसमें योग का भी तालीम लें। योग से हर एक बच्चे निरोग रहेंगे। उसको समझाइए बुझाइए, लोगों को बताइए कि योग ऐसी चीज़ है, योग से निरोग लोग रहते हैं। खबर आगरा से है, जहां रोटरी क्लब ऑफ आगरा के द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विकलांग और बीमार यात्रियों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर रेलवे प्रशासन को सौंपी गई। साथ ही रोटरी क्लब ऑफ आगरा के अध्यक्ष ने बताया कि जो यात्री चलने में असमर्थ हैं या बीमार हैं, उनको स्टेशन से ले जाने के लिए क्लब के द्वारा व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई है, जिनसे उनकी यात्रा को सुखद बनाया जा सके और कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना था कि रोटरी क्लब ऑफ आगरा के द्वारा समय समय पर रेलवे के यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराते रहते हैं। आगरा कैंट स्टेशन के लिए रोटरी क्लब आगरा द्वारा हमें आज 4 व्हीलचेयर डोनेट की गई है। आगरा कैंट स्टेशन दिव्यांगजन फैसिलिटीज में हम हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रोटरी क्लब के ये योगदान से इसमें और इजाफा होगा और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, यात्रियों के लिए और कम्फर्टेबल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी और बेहतर व्हीलचेयर हमें मिली है और इससे जो भी दिव्यांगजन या एल्डरली या बीमार यात्री अगर ट्रेन में यात्रा करने आएंगे तो जरूर उनको फायदा होगा। बिल्कुल, अभी जैसे जानकारी अभी हम ले रहे थे, रोटरी क्लब लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए और जनता की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो प्रयास करेंगे रेलवे के साथ मिलकर और भी ऐसे बेहतर काम किए जाए। दीपक प्रहलाद अग्रवाल, किस तरीके की सुविधाएं रोटरी क्लब विभिन्न सेवा प्रकल्पों में अपना योगदान देता रहता है समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। हमारे पास ये सूचना आई थी विश्वसनीय स्रोतों माध्यम के अनुसार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर की मात्रा कम है जो यात्रीगण आते हैं उनकी तुलना में। तो आज लगभग 40,000 यात्री प्रतिदिन इस स्टेशन पर आ रहे हैं और व्हील चेयर शायद जो हमको हमारे पास सूचना है 6 या 7 उपलब्ध थी, जो कि तुलनात्मक दृष्टि से कम है। और दिव्यांगन ही नहीं, वरिष्ठ जन हेतु भी आज व्हील चेयर का उपयोग होता है। इस हेतु हमारे क्लब ने यह निश्चय किया कि हमको इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए और रोटरी क्लब आगरा मिड टाउन के सदस्यों ने का यह सौभाग्य है कि हमको ये जनता सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ आगरा के माध्यम से।
से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर में तैरता मिला अज्ञात युवती का शव। युवती के हाथ पैर में रस्सी बंधी मिली। युवती की हत्या की आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है। तो मैनपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती का नहर में अज्ञात शव तैरता हुआ बरामद हुआ है। युवती के हाथ पैर बंधे हुए हैं युवती की, जिसके बाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं शव के। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए रखवा दिया है। शव के शिनाख्त के प्रयास में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला जो है वो थाना औछा क्षेत्र के पचावर नहर की ये पूरी जो है वो घटना बताई जा रही है, जहां पर शव जो है युवती का वो नहर में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ पैर जो है वो रस्सी से बंधे हुए मिले हैं, जिसके बाद जो है वो आशंका जताई जा रही है कि जो शव है उसकी हत्या की गई है। तो मैनपुरी से ये बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात युवती का जो शव है वो तैरता हुआ नहर में मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने फिलहाल जो है युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम हाउस के लिए उसे भिजवा दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ फतेहगढ़ मुख्यालय पर बिजली कटौती को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उप जिलाधिकारी को 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है और गर्मी की वजह से अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं। मामला ये है कि जो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली कटौती की जा रही है, जो महंगी बिजली, पहले कहा गया था हम 24 घंटे बिजली देंगे जिला कार्यालय को, आज बिजली कट हो रहा है, 10-10 12-12 14-14 घंटे बिजली नहीं आ रही है। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बलिया में, गोरखपुर में, अन्य जिलों में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और गर्मी से पूरा देश बेहाल है। सरकार ने जो वादाखिलाफी कर रही है, साथ में जिन लोगों की मौत बिजली कटौती की वजह से हुई है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को जो है नौकरी दी जाए और साथ में बिजली की सरकार ने जो वादा किया था हाउस बिल हाफ और किसानों का बिल माफ, तो सरकार अपने वादे पूरे करे। सबसे पहली बात जो आपका घरेलू बिजली है उसका बिल आधा किया जाए और जो आपका किसानों की बिजली का बिल है वो माफ किया जाए। सरकार जो बढ़ोतरी कर रही है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है और मिल भी नहीं रही है, तो खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? जो डबल इंजन की सरकार है, जिनका आपसी विवाद चल रहा है ऊपर और नीचे की सरकार में, वो विवाद खत्म करें और जनता को सहूलियत प्रदान करें। ये जो बहुत जरूरी मूलभूत सुविधा है, जिस तरह दिल्ली की सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है, आम जनता को फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता का भी हक है उसको सुचारू रूप से बिजली मिले। जब बिजली का उत्पादन ही उत्तर प्रदेश में नहीं है, 27,000 मेगावाट बिजली की जब हमें खपत है, तो हमारे यहाँ जो बिजली जनरेशन है वो सिर्फ 4 मेगावाट का है। मामला ये है कि जो उत्तर खबर चित्रकूट से, जहाँ हनुमान धारा में तीर्थयात्रियों के साथ मारपीट करने वाले पार्किंग ठेकेदार के 3 बुर्गों को थाना चित्रकूट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि चित्रकूट स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हनुमान धारा में पार्किंग ठेकेदार के गुर्गो द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार चित्रकूट स्थित हनुमान धारा सहित अन्य धार्मिक स्थलों में पार्किंग ठेकेदारों द्वारा लगातार अवैध वसूली की जाती है, जिसके लगातार आए दिन शिकायतें सुनाई देती हैं। खबर चरखारी से है, जहां 5 घंटे भीषण बारिश होने पर चरखारी के तालाब पूरी तरह से भरे हुए हैं। बता दें कि इस बारिश के चलते 2-4 जगह कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि 2 पेड़ों के गिर जाने से चरखारी मुस्कुरा रोड जाम हुआ और मोल्ला नवादा में बारिश के चलते एक मोटरसाइकिल बारिश के बहाव में बहने के कारण करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर नाले में फंसी। साथ ही कई मकान गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। पहली ही बारिश में एक अनोखा नजारा चरखारी नगर में देखने को मिला।